हेलो फ्रेंड्स, आप सब आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे। फ्रेंड्स, हम लोग कवर करने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका अंडर 19 व अफगानिस्तान अंडर 19 के बीच 7th प्लेस के लिए प्ले ऑफ का मैच खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा फ्रेंड बेनोइनी में। यहाँ के विकेट के बारे में बता दूँ फ्रेंड, यहाँ का विकेट बैटिंग बाउंड्री रहता है। यहाँ पर 2 मैच में चेज़ हुआ है, 1 मैच में चेज़ नहीं हो पाया है। फ्रेंड बता दूँ, यहाँ पर जो 3 मैच खेले उसके बारे में आपको बता दूँ। 1 मैच वेस्ट इंडीज व न्यूजीलैंड अंडर 19 के बीच हुआ, जिसमें जो है वेस्ट इंडीज अंडर 19 ने टॉस जीत के पहले बैटिंग लिया, 238 रन बनाया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने चेस कर लिया 8 विकेट के नुकसान पे। दूसरा मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान ने 189 बनाया था और पाकिस्तान ने उसको चेस कर लिया। तीसरा मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच हुआ, इंग्लैंड ने जिसमें 270+ स्कोर बनाया, जिसमें श्रीलंका की टीम बिल्कुल चेज़ नहीं कर पाई, 140 तक पे आउट हो गई। तो यहाँ के विकेट के बारे में बता दूँ, थोड़ा सा स्लोअर साइड है, स्पिनरों को यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प मिलती है, शुरुआत में थोड़ा सा तेज़ गेंदबाजों को भी हेल्प मिलता है। फ्रेंड आपको बता दूँ, साउथ अफ्रीका अंडर 19 की टीम स्पिनरों के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही है, उसकी बैटिंग भी उतनी डोमिनेट नहीं कर रही है, उसकी बैटिंग भी केवल 2 से 3 खिलाड़ियों पर डिपेंड कर रही है। वहीं अफगानिस्तान की टीम की बॉलिंग तो ठीक है, लेकिन बैटिंग उनकी उतनी अच्छी, उनकी भी केवल 1-2 खिलाड़ी पर डिपेंड कर रही है। तो थोड़ा सा दोनों के बीच अच्छा खासा कंपटीशन होने की संभावना है। 7th प्लेस प्ले ऑफ के लिए मैच है। तो फ्रेंड बेनोनी के क्रिकेट ग्राउंड में यहाँ का वेदर क्लियर रहेगा, थोड़ी सी क्लाउडी रहेगा, बहुत कम चांसेस है रेन का, बारिश होने की बहुत कम संभावना है, मैच पूरा होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता दूँ प्लेइंग 11 जहाँ तक है, मैं उसमें आपको बता देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, बर्ड मांजे लिवर्ड लिवर्ड के स्थान पर हो सकता है इस मैच में, लो को भी मौका मिल सकता है, अच्छा खिलाड़ी है फ्रेंड, आउट ऑफ फॉर्म हो गया था, आउट ऑफ फॉर्म हो गया था, तो थोड़ा सा इसको मौका नहीं मिल रहा है लो को, हो सकता है इनके स्थान इनको भी मौका मिल जाए। बाकी कोटानी पार्सन ब्यूफोर्ड बहुत अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं, वुरन लीस मोलेस्टोन ब्रेट क्लोएट और मोडिम खानो, ठीक है, क्वेट जी भी आ सकते हैं मोडिम खानो के स्थान पर, इनके स्थान पर क्वेट जी भी आ सकते हैं। ठीक है, वही अफगानिस्तान अंडर 19 फ्रेंड, जारद्रान अटल फरहान जाकिल इमरान मीर रमनुल्ला आशिफ इशाक अब्दुल रहमान शफीकुल्ला नूर अहमद जोहेब अहमदी। फ्रेंड आपको बता दूं, पहले तो एक चीज़ ये कि अगर फ्रेंड हो सकता है इसमें कोई भी प्लेइंग 11 हो सकती है, प्लेइंग 11 आ जाती है, जो भी अपडेट करूंगा मैं टेक्निकल, अभी प्रेडिक्शन मेरा टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड ये वाला, आप इस पर ज्वाइन कर लीजिए, टेक्निकल अभी प्रेडिक्शन आप लोग सर्च करेंगे, टेक्निकल अभी प्रेडिक्शन यहाँ सर्च करेंगे, टेक्निकल अभी प्रेडिक्शन TP करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं प्लेइंग 11 आपको अपडेट कर दूंगा। उसके बाद आ जाइए टीम पे, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, पहला मैच इन लोगों के बीच हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें साउथ अफ्रीका के इस अफगानिस्तान के स्पिनरों ने काफ़ी डोमिनेट किया था, साउथ अफ्रीका 130 में आउट हो गई थी और अफगानिस्तान ने उसको इजीली चेस कर लिया था। ठीक है फ्रेंड, आ जाइए ड्रीम 11 टीम पे, मैं उसमें खिलाड़ी वाइज एनालिसिस कर दूंगा, उसी हिसाब से आप लोग अपनी टीम लगा लीजिएगा। आप लोग आ जाइए विकेट कीपिंग सेक्शन से, विकेट कीपिंग में फ्रेंड आप लोग देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है ब्यूफोर्ड कोटानी इशाक, ठीक है, जिसमें बिफोर बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म से गुजर रहा है, साउथ अफ्रीका के सेकंड बेस्ट बैट्समैन है रन बनाने में, तो हम लोग इनके साथ जा रहे हैं, के कोटानी के साथ हम लोग नहीं जाएंगे, एवरेज है, प्लस स्पिनरों के खिलाफ साउथ अफ्रीका उतनी अच्छी भी नहीं, इसलिए इनके साथ नहीं। मोहम्मद इसा काफ़ी नीचे खेलते हैं, इनको लेने की कोई ज़रूरत नहीं हम लोगों को, इस ग्रैंड लीग पिक है। जय बैड बहुत अंडर 19 युवा, बहुत अच्छा बल्लेबाज, ठीक ठाक बल्लेबाजी करते, कभी भी लंबी इनिंग खेल सकते हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, बेस्ट बल्लेबाजों में से है साउथ अफ्रीका अंडर 19 की तरफ से। आई मीर को नहीं पिक किया फ्रेंड, जाकिल अच्छे फॉर्म से गुजर रहा है, कैप्टन भी है अफगानिस्तान अंडर 19 के, इनको साथ जा रहा हूँ, लो खेल सकते हैं लेकिन लेने कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ग्रैंड लीग पिक रहेंगे फ्रेंड, अगर आपकी इच्छा होगी आप ले सकते हो। और आर जादरान, इनको काफ़ी लोगों ने लिया लेकिन थोड़ा सा नीचे खेलते हैं, अगर अगर अफगानिस्तान पहले बॉलिंग करेंगे तो आप इनके साथ जा सकते हो, तो फिलहाल के लिए मैं इनके साथ अभी नहीं गया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आई मीर के को ही प्रीफर करूँगा, थोड़ा सा ऊपर खेलते हैं फ्रेंड। उसके बाद आप आ जाइए इब्राहिम जादरान, ऑलराउंडर सेक्शन में दे दिया है, बॉल बहुत कम कराते हैं, थोड़ा सा कम कराते हैं, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, और इनको आप लोगों ने देखा होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप में पहले भी खेले रहे हैं, पैरसन बहुत अच्छे ऑलराउंडर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, प्लस बैटिंग भी ठीक ठाक करते हैं, आबिद मोहम्मदी उतने अच्छे रही है, अब्दुल रहमान बहुत अच्छा है, इनके साथ गया हूँ, T1 वुरन के साथ मैं नहीं गया हूँ फ्रेंड, अभी बता देता हूँ आपको, गफारी बहुत अच्छा लेगी स्पिनर, और पहले मैच में EC अपोनेंट के खिलाफ इन्होंने 6 विकेट निकाले थे, एक तरफा डोमिनेट कर लिया था सब अफगानिस्तान ने। क्लोएट बहुत बेस्ट बॉलर है, बहुत अच्छा बैटिंग भी ठीक ठाक नीचे कर लेता है, और अभी तक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। क्वेट जी बहुत अच्छे बॉलर है लेकिन इस टूर्नामेंट में बिल्कुल प्रभाव नहीं डाल पाए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लो जोहेब
और नूर अहमद लेफ्ट आर्म चाइना मैन, इसके साथ भी मैं जा रहा हूँ फ्रेंड। तो ये मेरी टीम रहेगी फ्रेंड। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर थोड़ा सा क्रेडिट प्रॉब्लम है, तो आईमीर के स्थान पर हम लोग जादरान के साथ आ जाएंगे, और आप 8 क्रेडिट में प्लेयर आपको जो भी मिलेगा उसी को हम लोग ले लेंगे। ये ब्रेट बहुत अच्छा बॉल ये भी डाल रहा है ये। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे टीम थोड़ी सी बैलेंस बनाने की कोशिश की है फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे नूर गफारी और रहमान तीन ये इधर से हैं, और पैरसन क्लोएड ब्रेट ये इधर से है, बर्ड ऑफ ब्यूफोर्ट। इस पर आप लोग देख लीजिए, ये हमारे मस्ट पिक जो है इस मैच के, ये आज जादरान और ब्रेट, कुल मिला के 8.5 और 8, 16.5 क्रेडिट बच रहा है फ्रेंड। इस पे आप प्लेयर एडजस्ट कर सकते हो मैच के हिसाब से, ठीक है। बाकी सब बेस्ट प्लेयर हैं, उनको आपको अपने इस मालिक की टीम में रखना ही रखना है। तो केवल 2 खिलाड़ी ये और ये, इसके बारे में फ्रेंड आपको टेक्निकल अभी प्रेडिक्शन पे मैं देखूंगा कौन खिलाड़ी ऊपर खेलेगा कौन नीचे, उस हिसाब से ज़रूर आपको एडजस्ट करके टीम बना के देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग उसी तरह एडजस्ट करके आप लोग जरूर से ज़रूर आप लोग लगा ले रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ मैं कैप्टन जा रहा हूँ फ्रेंड, अब भी पैरसन्स के साथ बैटिंग वाली दोनों इनको मिलेगा, और वाइस कैप्टन मैं जा रहा हूँ फ्रेंड गफारी के साथ जाऊँगा। अच्छा खासा बॉलर है, इस अपोनेंट के खिलाफ 6 विकेट निकाला था, स्पिनर के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल भी करते हैं। तो फ्रेंड ये देख लीजिए मेरी टीम रहेगी। अभी मैं 2 खिलाड़ी पे एडजस्ट नहीं किया हूँ फ्रेंड, मैं आपको बता दूंगा, जादरान थोड़े से नीचे खेलते हैं, ब्रेट बहुत अच्छे बॉलर हैं, पहले बॉलिंग आएंगे तो ब्रेट जरूर रहेंगे और जादरान भी जरूर रहेंगे, ठीक है पहले बॉलिंग में। और पहले बॉलिंग अगर अफगानिस्तान की आती है तो थोड़ा सा मैं चेंज यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड। बाकी आप लोग देख के एडजस्ट करके उसी हिसाब से आप लोग जरूर से ज़रूर अपनी टीम बना लीजिए, लगा लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। ये मेरी इस मालिक की टीम है। बाकी चांसेस, ये अफगानिस्तान पहले बैटिंग करेगी उस कंडीशन की ज़्यादा अच्छी टीम रहेगी मेरे हिसाब से ये, ठीक है। और अगर अफगानिस्तान पहले जो है बॉलिंग कराती है तो आप यहाँ पे एक बॉलर और बढ़ा सकते हो अफगानिस्तान का, क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम जब भी खेलती है अधिकतर ऑल आउट हो जा रही है फ्रेंड। तो फ्रेंड बता दूँ ये लोग खेले हैं अभी तक, जब अफगानिस्तान अभी पिछला मैच ऑस्ट्रेलिया से हार के आ रही है, ठीक है, और वही वेस्ट इंडीज़ से हार के आ रही है साउथ अफ्रीका। तो लगातार दो दो मैच दोनों टीम हार के भी आ रही हैं, ठीक है। एक क्वार्टर फाइनल के मैच दोनों टीम हारी है, और उसके बाद क्वार्टर फाइनल सुपर लीग का, उसके बाद जो है 5th प्लेस के लिए दोनों मैच दोनों टीमें हारी हैं। तो 7th प्लेस के लिए दोनों टीम है, दोनों टीम स्ट्रांग है। साउथ अफ्रीका थोड़ी सी स्पिन अच्छी है, इनकी बैटिंग थोड़ी सी वीक चल रही है, इनके मेन बल्लेबाज ये तीन है, इन्हीं पर डिपेंड करता है फ्रेंड, ठीक है, ये तीन इन्हीं पर डिपेंड करता है। अब बाकी सबसे अच्छा बॉलर इस टूर्नामेंट में अभी तक ये रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अधिकतर इनका मैच इसी पे डिपेंड कर रहा है फ्रेंड। बाकी यहाँ पे आपको और खिलाड़ियों के बारे में बता दूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत अच्छा बॉलर यहाँ पे आपके साथ एक फजल हक ये है, अगर खेलेगा तो बहुत अच्छा बॉलर है ये भी फजल हक। और एक आप बता दो, जोएब जोएब अहमदी मे भी वही है, जोएब अहमदी है, बहुत अच्छे तेज गेंदबाज है, फर्स्ट क्लास में बहुत काफ़ी विकेट इन्होंने निकाले हैं, अच्छे खासे बॉलर हैं। अगर ये खेलेंगे आप इनको भी पिक कर सकते हो अपनी टीम में, ठीक है, जोएब अहमदी या फजल हक, ये भी बहुत अच्छा बॉलर है, ठीक है। तो यहाँ भी आप पिक कर सकते हो, बाकी सब एवरेज है। मॉलेस्टर्न भी ठीक ठाक बॉलिंग करते हैं लेकिन कम ओवर कराते हैं। और फिर मैं बता दूँ, यहाँ पे वुडन के साथ बहुत लोग गए हैं, लेकिन अगर पहले बैटिंग करेगी साउथ अफ्रीका तो मेरे में भी इनकी बैटिंग उतनी अच्छी है नहीं, प्लस बॉलिंग थोड़ा सा कम कराते हैं, ज़्यादा बॉलर खेलते हैं तो 2 से 3 4 ओवर करेंगे, तो मैंने प्रॉबली उसको पिक करने की कोशिश किया जो ज़्यादा से ज़्यादा ओवर कराता है, जैसे कि ये पूरा ओवर कराएगा ये और क्लोएड भी पूरा कराएगा, ब्रेड भी काफ़ी पूरा ओवर कराते हैं बैशन भी, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग देख लीजिएगा उसी हिसाब से एडजस्ट करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर लगा लीजिएगा। ये दो बॉलर जिसके बारे में मैंने फ्रेंड बताया अच्छे हैं, फजल हक और जोएब अहमदी, ये खेलेंगे तो आप इनको पिक कर सकते हो। और बैटिंग में आई मीर अगर आपको कहीं से भी एडजस्ट होते नजर आएंगे तो आप बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है, आई मीर ये। बाकी बाकी सभी एवरेज है, आप लोग देख के एडजस्ट करके इस मालिक जरूर से ज़रूर लगा लीजिएगा, और क्लोएड प्रेस कर लीजिएगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छा कराता है फ्रेंड, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही टीम बनने वाली है इस मालिक के लिए, आप लोग देख के एडजस्ट करके उसी हिसाब से अपनी टीम बना लीजिएगा। अफगानिस्तान अगर फ्रेंड पहले बॉलिंग करेगी तो मैं उसके लिए कुछ भी अपडेटेड टीम अलग से आपको दे दूंगा, अफगानिस्तान पहले बैटिंग करेगी तो उस कंडीशन की बहुत अच्छी टीम है। बाकी मैं कोशिश करूंगा अफगानिस्तान पहले बॉलिंग करेगी तो इन 2 खिलाड़ियों पे बॉलर और बैटिंग क्रम के हिसाब से मैं किसी को पिक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है।
वो मैं आपको टेक्निकल अभी प्रडिक्शन मैंने जो टीवी वाला चैनल दिखाया है उस पर मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड। और प्लीज़ फ्रेंड मेरा चैनल पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड, आप लोगों को मेरी दुआ लगेगी, आप स्माइलिंग जरूर से जरूर विन करोगे। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड। सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन दबा दीजिए, मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। ठीक है फ्रेंड, बाकी फ्रेंड मैंने अपडेट कर दिया है, अपलोड कर दिया उस पर जो ओमान ओमेन और जर्मनी ओमन के बीच होने वाला है मैच, उसको अपडेट कर दिया, उसको आप लोग देख लीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड।